प्रदेश के राजगढ़ जिले में लगातार बढ़ रहे अवैध शराब के कारोबार पर जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की। जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई इस कार्यवाही में करीब 58 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। वहीं पूरी कार्यवाही में कलेक्टर निधि निवेदिता और SP प्रदीप शर्मा ने मौजूद रहकर ड्रोन कैमरे से भी वीडियोग्राफी करवाई है। कलेक्टर निधि निवेदिता ने बताया कि जिले के गुलखेड़ी और कटारिया खेड़ी गाँव में अवैध शराब के कारोबार को लेकर लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए कटारिया खेड़ी में 1,10,000 रुपए कीमत की करीब 1,000 लीटर कच्ची शराब व 36 लाख रुपए कीमत की 90,000 किलो का लहान व गुलखेड़ी से 4,680 लीटर विदेशी बियर, 2,250 लीटर विस्की व करीब 21 लाख रुपए की 7,000 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। तो कलेक्टर मैडम के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने निर्देशित किया है कि अब एक मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे जिसमें हम ये डिसाइड कर सके कि ये जो शराब है ये बैच नंबर की किस पर्टिकुलर विक्रेता को या लाइसेंसी ठेकेदार को गई है। तो भी हमारा ये प्रयास है कि हम इस बार जो दारू पकड़ी गई है, जो राजस्थान से भी और अलग अलग जगहों से सोर्सेज हैं, जिसमें हमारे करीबन 20 प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, उन सबका सोर्स भी आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एक्शन दिस टाइप केसेस एक्चुअली, कि जैसे कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें क्राइटेरिया क्या रहता है एक्शन का? जैसे DO साहब को पता होगा कि लोकल की शराब अगर मिल रही है, पीलूखेड़ी का जस्टिफाई हुआ है, कई बार पुलिस ने जस्टिफाई किया है, तो उसमें एक्शन का क्या प्रावधान है, वो हम जानना चाह रहे थे। हम लोग इसमें जितनी भी शराब होती है उसको जब्त की जाती है, एक्साइज एक्ट की विभिन्न प्रावधान है उनमें जब्त की जाती है अकॉर्डिंग टू द फिगर, जितना बल्क लीटर क्वांटिटी है उसके हिसाब से उसको जस्टिफाई, तो हम लोग नहीं बता सकते कि किसको ठेकेदार है। ये काम बेसिकली एक्साइज डिपार्टमेंट का है कि वो वहाँ से बताएंगे कि किसका ये दारू हो। There are no single action last some time, so we want to some actions. अभी जो शराब जब्त हुई है उसमें अभी तक के लोकल किसी जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है उस हिसाब से भी लोकल का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आया है, लेकिन जो है राजस्थान से और ओम डिस्टिलरी के राइसेंस से उनके कुछ माल जरूर जब्त हुए हैं और उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई एक्साइज एक्ट के नियमों के अंतर्गत है वो की जाएगी। क्योंकि मैम सॉल्यूशन वही है, देखिए ये तो एक इशू है, आप बार बार पकड़ोगे लेकिन अगर एक्शन बड़ा नहीं होगा तो देखिए। तो इसमें दो तरीके की जो हम इससे पोस्ट एक्शन जो हम करने वाले हैं, दिस वॉज ओनली फर्स्ट एक्शन जिसमें कि हमने ये सारी चीज़ें पकड़ी। अब नेक्स्ट जो पोस्ट एक्शन होगा, जो हमारी डिस्कशन हुआ है उसमें दोनों साइड से हम डिमांड जो है वो कट करेंगे, यानी कि वो लोग जो वहाँ पर खरीदने के लिए जाते हैं, हम वहाँ पर अभी चुनाव क्योंकि चल भी रहा है और हमने विभिन्न जगहों पर अपनी SSTs तैनात की है, तो SSTs इन्हीं सब जगहों के लिए एक तरीके से सोची गई है चुनाव आयोग के द्वारा। इसमें दोनों साइड में कटारिया खेड़ी के जो मेन रूट जाता है वहाँ के दोनों साइड्स में, आने वाला साइड और जाने वाला साइड, और साथ ही गुलखेड़ी के भी दोनों जो रोड मेन रोड है उसके दोनों साइड्स में वी विल एस्टेब्लिश विशेष पुलिस चौकी, जहाँ पर कि पर्याप्त मात्रा बल और पर्याप्त मात्रा में अन्य सभी जो लोग हैं ऑफिसर्स वो उपलब्ध रहेंगे, मजिस्ट्रेट उपलब्ध रहेंगे, ताकि कोई भी यदि वहाँ पर जा रहा है तो वो सप्लाई जो है वो हम सप्लाई और डिमांड दोनों कट करें। सर जिन लोगों को आप आरोपी बनाते हैं वो भी तो किसी का नाम बताते होंगे कि ये कहाँ से हमने शराब ली है या किस डिस्टिलरी से हम लाते हैं? बिल्कुल बताते हैं, अगर वो इस तरह का कोई आरोपी बताते हैं उसको बिल्कुल आरोपी बनाया जाता है और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है। इसमें भी जो हम लोगों ने नाम आइडेंटिफाई किए, जब भी हम इनको पकड़ेंगे इनकी रिमांड ली जाएगी और इनसे पूछा जाएगा कि किस सोर्स से इन्होंने अपना, दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या तो आरोपी बता दें या हमको आइडेंटिफाई हो जाए क्या सोर्स है। तो आप जब इनको पकड़ेंगे रिमांड लेंगे और इनके बताने पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर वो अगर किसी शराब ठेकेदार का नाम बताते हैं तो क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? ऑफकोर्स करेंगे, उसका हम संबंधित पत्र लिखेंगे। नियम यहाँ पर सभी के लिए सेम है, अगर कोई यहाँ का लीगल ठेकेदार है या कहीं का बाहर का ठेकेदार है दोनों पे इक्वल कार्रवाई होगी। यहाँ के भी अगर किसी ठेकेदार का पता चलता है कि उसने बाहर से आया है तो उसमें भी हम लोगों ने विभिन्न बॉर्डर मीटिंग्स में ये इशू रेज किया है ताकि वहाँ की जो जिला प्रशासन है वो उन पर कार्रवाई। छापामारी में अभी कितने आरोपी पकड़ा है अभी तक के? तो जैसे मैंने पहले ही बताया वहाँ पर जब हम गए थे तो उनके सभी घरों पे ताले लगे हुए थे, इसलिए कोई आरोपी पकड़ा नहीं पाया। और आप ये मानना चाहेंगे कि वहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ निर्मित होती है कि लोग जमा होकर के, आपको शायद पिछले बार भी पता होगा, पथराव होता है। तो पहले ही हमारी जो इस बार हम प्लान करके गए थे कि इमिडिएटली जो भी हमें पहले वहाँ पर अवैध रूप से हो रहा है उसको जितना हम डैमेज कर सके वो करें, और हम वो करके आए हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के, जिन लोगों के भी घर थे वहाँ के, हमने नाम वाम नोट किए हैं, उनमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन पर विभिन्न तरीके की कार्रवाई जो है हम एक्साइज एक्ट और अन्य सभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इसमें करेंगे। अगर उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट आज तक इस शराब की बिक्री को अपना मुख्य रोजगार मानकर था और अब उन लोगों के पास ये काम खत्म होगा,
तो क्या प्रशासन पर ये एक बोझ नहीं होगा कि उन लोगों को कैसे सेटल किया जाए या उनको कैसे एजुकेट किया जाए कि वो शराब की बिक्री के बगैर जिंदगी जिए? ये बोझ नहीं होगा, ये एक तरीके से प्रशासन की भी एक तरीके से सहभागिता होगी उनके साथ कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और मेरा ये मानना है कि वो जहाँ तक मुझे पता है कि सही शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, और उन लोगों को अगर क्रिमिनल ट्राइब्स इस तरीके का जो भी उनको दर्जा दिया गया और किस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। Thank you.